भोसड़ी के गांडू नल्ले गाड़ी में चोदेगा। हाँ क्या बोल रहा था? मेरा इतना बड़ा है, चोदूंगा तो तू जीभ निकाल लेगी। अरे कुछ तो शर्म कर नल्ला, हिजड़ा कहीं का, पढ़ अपना रिपोर्ट। हेलो बेबी प्लीज, इस बार ये वाला होटल नहीं यार। इस होटल के गद्दे ना इतने टाइट है, एक तो तुम्हारा सामान भी इतना टाइट है, मेरी गांड छिल जाती है यार। तो क्या हो गया? अगर थोड़े पैसे लगेंगे तो मैं दे दूंगी पैसे, मजे भी तो देती हूँ ना। ये क्या कर रही है तू? भाभी आ गई, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये किससे बात कर रही थी तू? अपने यार से कर रही। तुझे क्या मतलब? आजकल के लड़के अच्छे नहीं होते हैं, चोद चाद के छोड़ देंगे। तो क्या हो गया? चोद चाद के छोड़ देंगे तो दूसरा पटा लूंगी। प्रेग्नेंट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तू तो प्रेग्नेंट नहीं हुई भैया, बोले तेरे को 3 साल से चोद रहे ना, तो ये प्रेग्नेंट। बात करने की तमीज नहीं है ना तुझमें? यार मत चोद ज्यादा, अपना काम कर चल। मुझे आई बताने वाली, चोद चाद के छोड़ देंगे, खुद तो बांझ गई की बच्चा नहीं दे पाई, मैं भी मजे ना लूं क्या? सुनिए, आपकी बहन बहुत बदतमीज हो गई है, चौदम पट्टी की बात कर रही थी, वो भी अपने यार के साथ। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, वो सब चौदम पट्टी की बातें नहीं करती है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तू झूठ बोल रही है, मेरी बहन बहुत अच्छी है। मुझे बांझ बोल रही थी। हाँ तो इसमें उसने गलत क्या बोला? तू है बांझ? 3 साल तक वो दिल्ली चोदता हूँ मैं, हाँ इतना लंबा लंड देता हूँ, तू ये भी बच्चा मुझे दे पाई आज तक? आप बताइए मेरी क्या गलती है? जिस तरीके से बोलते हैं, जिस पोजीशन में बोलते हैं, देती हूँ ना, कोई फल मिला आपको? हाँ तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोलना। मैं कहना ये चाहती हूँ, हर बार मेरी टेस्ट करवाते हैं, इस बार आप अपनी टेस्ट करवाइए। तू क्या कहना चाहती है? कि मतलब मैं ना मार दूं, मैं हिजड़ा हूँ? हाँ इतना लंबा लंड है मेरा, जब तेरे अंदर डालता हूँ ना गुफा में, तो तेरा जीप ना से निकल के बाहर आ जाती है। हाँ हाँ आपका लंड बड़ा है, जब आप करते हैं मेरी जीप बाहर आ जाती है, और बहुत मोटा भी है, लेकिन मेरे कहने पर प्लीज एक बार चल लीजिए। तेरी गांड में बहुत चूल है ना, चल टेस्ट ही करवाता हूँ मैं, चल। और सुन, अगर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई ना, तो तू क्या करेगी बता? मैं जिंदगी भर इस घर में नौकरानी बनके रहूंगी। नौकरानी बनके रहेगी ना, और साथ ही साथ तेरे को ना डेली चोदूंगा, हर घंटे हर मिनट हर सेकंड तेरे को चोदूंगा, देख तू अब चल। थैंक गॉड मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनका देखती हूँ। प्रॉब्लम इस भोसड़ी वाले में थी। बहनचोद गंडमरा हरामी इंसान, क्या बोल रहा था? मेरा लंड इतना बड़ा है, मैं ऐसे गांड में डाल दूंगा। अब अपने लंड को ना अपने गांड में डाल ले मादरचोद, 3 साल से बांझ 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 चूतिया आदमी, और वो चूतिया औरत उसकी बहन, मैं चुदवाऊंगी, इससे चुदूंगी, उससे चुदवाऊंगी, तुझे क्या मतलब? बड़ी उड़ रही थी, अब तो इनको मैं बताऊंगी, सालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। इस कुत्ते के बच्चे को तो मैं बताऊंगी। अरे बहनचोद एक काम करते हैं, होटल नहीं जा रहे, मैं गाड़ी लेके आता हूँ अपनी, उसी में चोदूंगा तेरे को पलंग तोड़ करके। हाँ अरे टेंशन मत ले अबे, तेरा रुआब्जा भी बाहर निकाल दूंगा, टेंशन मत ले। तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? रंडीबाज गांडू, क्या बोल रहा था? गाड़ी में चोदेगा। रंडीबाज किसको बोलती है? और ये क्या है तेरे हाथ में? पढ़ इसको, चूतिया आदमी, इतने दिनों से इतने सालों से मेरे को बोल रहा था बांझ हूं मैं, हैं चूतिया हूं मैं, इतना बड़ा लंड है मेरा, अपने लंड को ना अपनी गांड में डाल ले, समझा? क्या बोल रहा था? पटक के चोद दूंगा, खुद में कमी है तुझ में कुत्ते, देख गांडू देख ढंग से इसको। और वो क्या बोले थे? वो तेरी बहन, वो बांझ है तू, चुदने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी बहन को, जहाँ चुदवाना है उसको, समझा हरामी इंसान। क्या हो गया भाभी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? चूतिया औरत तू चुप रह, तू क्या बोल रही थी? चुदने चुदवाने की बात कर रही थी, उससे चुदवाऊंगी इससे चुदवाऊंगी, जाना चुदवा, प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, समाज में जाके ऐसे करके मत घूमियो सर नीचे करके। पता है तुझे तेरा भाई हिजड़ा है, ना मर्द है, रिपोर्ट पढ़, समझ में आएगा? अनपढ़ तो है नहीं तू, है ना? 3 साल से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, बांझ है बांझ है, कभी सोचते नहीं हो ना तुम लोग कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, मुझ पे क्या बीती होगी, मेरे फीलिंग्स को कितनी ठेस पहुंचती होगी। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, जो करना है करो,
और अपनी लंड को ना अपने हाथ में लेके घूमियो, चूतिया आदमी।